नमस्कार, वेक अप एंड शाइन यूट्यूब चैनल पर विजय विक्रम सिंह के साथ हैं आप। आज की कहानी आधारित है एक कहावत पर, पुरानी कहावत है ना कि अधजल गगरी छलकत जाए या आधा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, इसी से जुड़ी हुई कहानी। एक बार एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का एक आदमी, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लोग बेसिकली एयरक्राफ्ट मेंटेन करते हैं, तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का एक आदमी कॉकपिट को साफ कर रहा होता है, कॉकपिट की साफ सफाई कर रहा होता है। कॉकपिट की साफ सफाई करते करते उसको वहां पर एक मैनुअल, एक किताब मिलती है, जिसमें लिखा था हाउ टू फ्लाई एन एयरप्लेन वॉल्यूम 1। वो उस मैनुअल को उठाता है, पढ़ना शुरू करता है, तो उसमें देखता है कि अरे ये तो बड़े आसान तरीके से इसमें समझाया गया है कि हवाई जहाज को उड़ाया कैसे जा सकता है। तो सोचता है कि कोशिश करने में क्या जाता है, एकदम रनवे पे ही खड़ा हुआ है ये जहाज, बहुत ज्यादा स्टार्ट होगा तो बंद कर देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो छोटा सा एयरपोर्ट होता है वो, क्योंकि उस समय कोई भी फ्लाइट लैंडिंग और टेक ऑफ नहीं कर रही होती, तो एयरपोर्ट पर होता भी नहीं कोई। तो पन्ना पलटता है, पहला पन्ने पे लिखा होता है जहाज को स्टार्ट करने के लिए रेड बटन दबाएं, और रेड बटन दबा देता है, थोड़ा से आवाज होती है और इंजन चालू हो जाता है। फिर लिखा होता है कि जहाज को मूव करने के लिए ग्रीन बटन दबाएं, ग्रीन बटन दबाता है, जहाज धीरे धीरे मूव करने लगता है। फिर उसमें लिखा होता है कि इसके पर्टिकुलर स्पीड देने के लिए ये वाला बटन दबाएं, वो बटन दबाता है, उसकी स्पीड बढ़ने लगती है। फिर उसमें लिखा होता है कि इसको ऊपर ले जाने के लिए जो थ्रॉटल है उसको आगे की तरफ पुश करें, थ्रॉटल को पुश करता है, धीरे धीरे जहाज और तेज स्पीड पकड़ता है और ऊपर उड़ जाता है। वो जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का आदमी होता है, बहुत ही जूनियर लेवल का आदमी होता है, उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता कि भैया मैंने तो जहाज उड़ा दिया, कमाल हो गया। जहाज एक हाइट पर पहुंच जाता है, उस मैनुअल के हिसाब से लिखा होता है कि अब इस हाइट पर पहुंचने के बाद मेंटेन करने के लिए फलानी चीज करें, तो वो फलानी चीज कर देता है और आराम से बैठ जाता है कि वाह मैंने जहाज उड़ा दिया। थोड़ी देर उड़ने के बाद उसको लगता है कि चलो अब जहाज नीचे उतार दिया जाए, समय हो गया है, इससे पहले कि किसी को पता चल जाए। उसको पता होता है कि 2 घंटे बाद एयरपोर्ट पर लोग आ जाएंगे, तो अब वो मैनुअल में ढूंढता है कि हाँ भाई हाउ टू लैंड ये कहाँ लिखा है। ढूंढना चालू करता है तो आखिरी पेज पे पहुंच जाता है, आखिरी पेज पे लिखा होता है कि नाउ इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू लैंड द एयरक्राफ्ट बाय वॉल्यूम 2, मतलब अगर आपको जहाज लैंड कराना सीखना है तो इस किताब की वॉल्यूम 2 खरीद लीजिए अपने नज़दीकी बुक स्टोर से। लीजिए सर। अब आगे क्या हुआ ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं, जहाज हवा में है, लैंड कराना साहब को आता नहीं। तो क्या हुआ उस दर्दनाक नज़ारे की तरफ नहीं जाते हैं, ये समझ लेते हैं बस कि कोई भी चीज़, किसी भी काम को करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि उस काम में पूरी तरह से पारंगता हासिल कर ली जाए। जब तक आप पारंगत ना हो जाएं किसी भी काम को करने के लिए, तब तक उस काम को हाथ मत लगाइए। ये मत सोचिए कि अरे इतना तो हमें आ गया है तो हम इस काम को कर सकते हैं। अगर जीवन में कुछ अचीव करना है तो जिस भी काम में हाथ डालें, आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप उस काम में एक्सपर्टीज हासिल कर लें, उसके बाद ही उस काम को करें। या धीरे धीरे प्रैक्टिस करके चीजों को इतना अच्छा कर लें कि आपको किसी मैनुअल की जरूरत ना पड़े उस काम को करने के लिए। इस थॉट के साथ, इस सोच के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं, और इससे पहले कि जाऊं आपसे ये दरख्वास्त है कि हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। वेक अप एंड शाइन YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझसे आप सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं, विजय विक्रम 77 ये मेरा इंस्टाग्राम पर हैंडल है, और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विक्रम सिंह के नाम से। नमस्कार।